बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आप लोगों को नए तरीके से चने चावल बनाना सिखाऊंगी, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही कम चीज़ों में तैयार हो जाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो तकरीबन हर किचन में मौजूद होती हैं, इसलिए इसे हर कोई घर पर आसानी से तैयार कर सकता है। चलें जी रेसिपी बनाते हैं। रेसिपी बनाने के लिए पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल गर्म करके एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। उसके बाद हम इसमें 5 से 6 अदद काली मिर्चें, 1 चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची और 1 चम्मच हल्दी और नमक का ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप लोग इसमें अपनी मर्जी के मसाला जात ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे दोबारा 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। मसालों को भूनते वक्त हम इसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का ऐड कर देंगे। ये देखें नाजरीन, हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें 1 से 1.5 कप उबले हुए चने ऐड करके इसको 4 से 5 मिनट के लिए मसाले में भून लेंगे। इन चनों को मैंने सारी रात भिगोने के बाद आधे घंटे के लिए उबाल लिया था। ये देखिए नाजरीन, हमारा चना मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें 2.5 गिलास पानी ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें कोई मिर्चें ऐड नहीं की, इसलिए हम इसमें 3 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इस मसाले को हाई हीट पे उबाल लेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम इसमें धुले हुए चावल ऐड करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए हाई हीट पे पकाएंगे। मैंने इस रेसिपी में 1 गिलास चावल का इस्तेमाल किया है। आप लोग पानी की मिकदार चावल से डबल रखिएगा। दो से तीन मिनट गुजरने के बाद हम इसे मीडियम आंच पर 7 मिनट के लिए दम पे खड़ा देंगे, ताकि चावल पककर अच्छी तरह तैयार हो जाएं। ये देखिए माशाल्लाह, चावल पककर तैयार हो चुके हैं। इनकी खुशबू भी बहुत कमाल की है। अब मैं इन्हें पैन से निकाल के प्लेट में सर्व कर लूँगी। ये थी आज की चने चावल की आसान रेसिपी। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। घर पर ट्राई करने के बाद कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इस रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।